हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर ए के आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्तों चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हेलो दोस्तों आज के वीडियो में पेट को साफ करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे अक्सर दोस्तों हमारे गलत खान पान की वजह से या गलत दिनचर्या की वजह से हमारे आते जाम होने लगती हैं और हमारा पेट सही तरीके से साफ नहीं होता और हमें कब्ज यानी कि कॉन्स्टपेशन की शिकायत होने लगती है जिससे हमें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों जब आपको कब्ज़ हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनता है पेट दर्द की शिकायत होती है बार बार उल्टी या मतली जैसा होता है भूख बिल्कुल नहीं लगता और साथ ही पेट फूला फूला सा लगता है पेट भारी भारी सा लगता है तो इन तरह की समस्याएं देखी जाती हैं जब आपकी आँतें सही तरीके से साफ नहीं हो पाती तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी आते जाम हो गई हैं तो आप जो जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर मोमो जैसे कि मैदे से बनी चीज़ें या डालडे से बनी चीज़ें तेल से ज़्यादा तेल से बनी चीज़ों का इनका बहुत ज़्यादा आपको परहेज़ करना होता है साथ ही आप अपने खाने में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जैसे कि मूली गाजर खीरा चुकंदर इनका इस्तेमाल ज्यादा करें इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो बिना दवाई के आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है और आपको कब्ज की समस्या नहीं होती साथ ही कब्ज होने पर जो समस्याएं आपको देखने को मिलती है उससे भी आप बच सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बोला था एक बहुत ही बेहतरीन सिरप मैं बताऊंगा जिसके मात्र दस एम एल पीने से आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों वो प्रोडक्ट है इजी लैक्स एल जो कि कुछ इस तरह के बॉटल पैक में आता है जिसकी कंपनी की बात करें तो इसे सिपला कंपनी मार्केट में बेचती है और इजी लैक्स ओरल सोल्यूशन के रूप में होता है और इस पर क्लियर लिखा हुआ है रिलीफ फ्राम कॉन्स्टपेशन यानी कि कब्ज की समस्या से राहत दिला देता है और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि नॉन हैबिट फॉर्मिंग यानी कि इसके लेने से आपको हैबिट भी नहीं होता बहुत से मार्केट में चूर वगैरह आते हैं उनके लेने से आपको हैबिट लग जाती है यानी कि जब तक आप उसे लेते नहीं तब तक आपका पेट साफ़ नहीं होता लेकिन इसके लेने से आपको बैड हैबिट नहीं होता है आपके बॉडी पर साथ ही ये लेमन फ्लेवर में आ जाता है यानी बिल्कुल नींबू की तरह आप पियेंगे तो इसका टेस्ट आएगा साथ ही ये शुगर फ्री है यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं 100 एम का बोतल होता है और जिसकी प्राइस की बात करें तो काफ़ी कम रेट में आपको मिल जाता है एक सौ इसकी एम है और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपको इच पंद्रह एम एल कंटेंट देखने को मिलता है लेक्टोलोज इसमें छाछठ परसेंट यानि कि दस ग्राम देखने को मिलता है जो कि पंद्रह एम एल में होता है और फ्लेवर्ड सिरप होता है दोस्तों ये आपकी आंतों में जितनी गंदगी है उसे साफ कर देता है और दोबारा आपको कब्ज होने की समस्या देखने को नहीं मिलता यानी कि जो आप कब्ज की वजह से दिन भर टॉयलेट में बार बार जाते थे लेकिन पेट आपका साफ नहीं होता था घंटों ट्राई करते थे घंटों प्रेशर लगाते थे लेकिन पेट आपका बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा था तो उन कंडीशन में इजी लेक्स सिरप का एक बार जरूर इस्तेमाल करें आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा साथ ही दोस्तों जब आप इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी आंतों की गंदगी को बाहर निकाल देता है अगर आपको भूख ना लगने की समस्या है तो उसे भी ठीक कर देता है साथ ही अगर आपको एसिडिटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी वो भी ठीक हो जाता है साथ ही आपको मतली आना उल्टी आना इनकी इन तरह की समस्याओं से भी राहत मिल जाता है पेट भारी भारी सा नहीं लगता पेट में दर्द की शिकायत भी नहीं होती तो काफी बेस्ट है चाहे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से भी सलाह लेकर इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों डोज की बात करें तो इसका डोज काफी सिंपल डोज होता है इसका एडल्ट जो डोज दिया गया है दोस्तों इसे हम दिन भर में 15 एम से लेकर 45 एम तक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एडल्ट डोज है चिल्ड्रेन में देना चाहते हैं तो जो सात साल से लेकर चौदह साल के बच्चे हैं उन्हें पंद्रह एम दिन भर में दे सकते हैं और जो चिल्ड्र चिल्ड्रन में एक से छः साल ईयर के बच्चे जो हैं उन्हें पाँच से दस एम दिन भर में दो से दो बार दे सकते हैं और जो इन्फेंट यानि जो नवजात बच्चे हैं उनको भी हम दे सकते हैं इन नवजात बच्चों से लेकर एक साल तक के बच्चों में इसे जो है फाइव एम दिन में दो बार दे सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है सभी बच्चे हों बड़े हों बुजुर्ग हों सभी इसका इस्तेमाल करके अपनी कब्ज की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों ये वैसे तो इसका कुछ खास साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता लेकिन पीने के बाद अगर किसी तरह की साइड इफेक्ट दिखे तो इस दवा को बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर मिलें दोस्तों इस सिरप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डायरिया नहीं आपको होने देता दोस्तों बहुत से मार्केट में सिरप आते हैं जिनको पीते ही आपको डायरिया की शिकायत हो जाती है बिल्कुल पानी की तरह दस आठ से दस बार होने लगता है लेकिन इसके पीने से ऐसी दिक्कत नहीं होती ये आपके पेट को धीरे धीरे साफ करता है लाइटरिंग अगर कड़ी हो रही थी तो उसे धीरे धीरे मुलायम करता है और डायरिया होने की संभावना आपको नहीं होती तो काफी बेस्ट है तो ये दोस्तों इजील एल सिरप के बारे में सब कुछ उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें